तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत बुरे हैं हम लोग म्यूजिक आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं परमट। जी हाँ, ये क्या है? हाँ, जिन लोगों को नहीं पता कि परमट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये है कानपुर का टॉप लेवल का टेम्पल, ठीक है, और शिव जी को लेकर गए। और यहाँ पे डेली का डेली भाई हजारों श्रद्धालु आते हैं, ठीक है। तो आज हम जाने वाले हैं परमठ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कर देना लाइक सब्सक्राइब और चैनल को नहीं, मतलब वीडियो को कर बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट डाल देना जय महाकाल, ठीक है। तो गाइस, आज की ये वीडियो ना कसम से बता रहा हूँ भाई, अमेजिंग, धमाल, कमाल, फुल ऑन मज़ेदार होने वाली है भाई। सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी बच गए हैं सुबह के 5:30, और देखने के लिए आपको खुद ही मिल रहा होगा कि भाई इतना अंधेरा है और मैंने सामने लाइट लगा करके इसका वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों दूर रहना चाहिए, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, फिर इसके बाद हम लोग निकलते हैं कहाँ, परमट के लिए, ठीक है। और काफी ज्यादा अच्छा देखने के व्यू मिलेगा क्योंकि भाई सुबह का टाइम है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और काफी ज्यादा मज़े ही आ जाएंगे भाई, सही समझ में लो, मज़े ही आ जाएंगे। और अभी हमारी पूरी टीम आ जाए, फिर इसके बाद हम चलते हैं परमट, ठीक है। तो आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। ये हमारी पूरी टीम, एक बंदे की मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। जी हाँ गाइस, आइए चलते हैं फिर परमट। अभी बज चुके हैं सुबह के 6:00, 1 घंटा हो गया, नहीं आधा घंटा हो गया, सुबह 5:30 मिले थे हम लोग, अब हो गया आधा घंटा, अब मिलते हैं आपको सीधे परमट में। कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। अभी हम लोग आ चुके हैं परमट, पीछे है परमट, अभी इस तरफ गाड़ी खड़ी करी है, आगे आपको दिखाते हैं कि परमट पहुंचने के बाद कैसा लगता है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। और परमट कैसा है? तो ये अर्पित हमारा कॉलेज का फ्रेंड, यानी कि मान लो कोचिंग का फ्रेंड है, मतलब पहले हम लोग एक साथ पढ़े हुए। तो अभी चलते हैं और आपको परमट दिखाते हैं। देव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु, हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा। मंदिर के दर्शन तो हो चुके हैं बाबा के, अभी आपको मंदिर दिखा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था, क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता सीपियों की ओट में, भोलेनाथ शंकरा, मोत
ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुखमय है, ये कह सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ये सामने यहाँ पे पड़ता है गंगा बैराज, और अभी यहाँ पे बस थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे मस्त लगता है, शांति है कुल मिलाकर के। तो गाइस यहाँ पे कौओं की रेस हो रही है, मतलब कुछ भी हो रही है, देखते हैं कौन जीतता है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से परमट से, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 7:30 हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग निकलते हैं और मिलते हैं आपको कुछ और जगह पे। अभी यहाँ पे कानपुर में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे मतलब आपको देख करके काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, चलते हैं फिर। अभी हम रुके हुए हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो अभी मैं पहले सामान लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। वहाँ है खस्ता खाने के लिए, बहुत बढ़िया की फेमस जगह है। जब भी मैं परमट जाता हूँ तब भी आकर खाता हूँ खस्ता, तो आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया खस्ता बनाते हैं भाई, बहुत कम दाम में देते हैं खस्ता। ठीक, अभी मैं अर्पित को घर छोड़ कर निकल रहा हूँ, ठीक है, अपने घर के लिए। और जो सामान लेना था घर के लिए वो मिला ही नहीं क्योंकि दुकान बंद थी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ और मिलते हैं आपको अपने घर पर। मैं बिल्कुल अभी जा रहा हूँ, और अभी भी जा रहा हूँ मैं, पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट करूँगा फिर उसके बाद जाऊँगा यार सोने, क्योंकि भाई बहुत जल्दी उठ गया था और अभी बहुत ज़्यादा तेज नींद आ रही है मेरे को। तो अभी मैं पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर उसके बाद जा रहा हूँ सोने, फिर मिलते हैं आपको शाम को। तो गाइस अभी बच गए हैं शाम के 6, और अनिरुद्ध मुझसे मिलने आया था, उसको चाहिए थी कॉपियाँ, इसने काम कंप्लीट करके नहीं रखा है। ठीक है, तो ये हमसे कॉपी लेने आए थे और हमने सोचा कि इसी बहाने हम चलेंगे नित्येश्वर पर, लेकिन भाई साहब लेके नहीं आए गाड़ी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो नित्येश्वर हम रखेंगे अगले टर्म में। पेट्रोल डलाया है तुमने? नहीं। नित्येश्वर जाओ बताओ कैसा में लग रहा है, मीठा टाइप का? गजब बेइज्जती है। गाइस कमेंट में जरूर बताइए कि मीठा लग रहा है कि नहीं लग रहा। म्यूजिक ऐसे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगली बार चलेंगे हम लोग नित्येश्वर। तो वीडियो को कर देना लाइक, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बाकी शेयर करना है कि नहीं करना है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बाय। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।